नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 की आरएस की क्लासेज में। हम शुरू कर रहे थे आरएस का न्यूज बुलेटिन, कुछ ऐसी न्यूज जिन पे चर्चा करके हम हमारे आरएस के पेपर के नॉलेज को इनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, और हमारे वहां से प्री में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो हालिया चर्चा में है भारतीय कंपनियों की, दवा कंपनियों की कफ सिरप। ये आपको तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही होगी, पिछले दिनों न्यूज़पेपर में थी, भास्कर पत्रिका सब में आई थी। ये गाम्बिया के एक हेल्थ सेंटर की तस्वीर है, जहां एक माँ अपने बच्चे को लिए खड़ी है, और इन गाम्बिया जो देश है अफ्रीका का, वहां ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बच्चों की कफ सिरप पीने से मृत्यु हो गई। और जो WHO ने 20 कफ सिरपों को संदेहास्पद माना है, उनमें से 14 भारतीय दवा कंपनियों द्वारा निर्मित है। तो ये सारा चर्चा का विषय बना हुआ है। WHO ने इस पर एक जांच समिति का गठन कर दिया है कि भाई जांच करो ये कफ सिरप कहां से बन रही है और कैसे बन रही है, बिना ट्रायल के, और जो ऑथेंटिक सैंपल्स होने चाहिए उनके, उनकी बिना जांच के ये दवाइयां कैसे दूसरे देशों को निर्यात हो रही है और कैसे दुनिया के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रही है। तो हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। हमारा जो पूरा फोकस है वो इस बात पे है कि भारतीय जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है उसमें ऐसी क्या कमियां हैं, चाहे सरकार अपना पक्ष छुपाए, चाहे दवा कंपनियां अपना कोई और पक्ष रखे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ऐसी कमी है कि भारतीय दवा कंपनियों का इस तरीके से नाम आ रहा है, इस तरीके की जहरीली दवाएं बनाने में या हानिकारक या गुणवत्ता रहित दवाएं बनाने में उसके उसकी छवि खराब हो रही है। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है ना भारत में, जो फार्मा उद्योग है, ये बहुत ही बड़ा और उभरता हुआ उद्योग है। लगभग दुनिया का 20% जेनेरिक दवाएं कौन सी होती हैं, ये भी अलग से प्रश्न आरएस में पूछा जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी अपने विषय है आरएस में, वहां पूछा जा सकता है। जेनेरिक दवाएं होती हैं कि जो दवा कंपनियां रिसर्च करके पेटेंट कराती है किसी दवा को, एक निर्धारित अवधि के बाद में वो पेटेंट हटा दिया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मसला है। तो जब वो पेटेंट हट जाता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस कंपनी का नहीं होता, लेकिन निर्माण उस औषधि का ये कंपनियां कर पाती हैं। ये सस्ती दवाएं होती हैं, इन्हें जेनेरिक दवाएं कहते हैं। तो दुनिया का, विश्व का 20% जेनेरिक दवाएं भारत में बनती हैं, यह भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का इसमें योगदान। तो बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे बहुत सारे गरीब देशों में जहां दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पाती, अब अफ्रीकन कंट्री गाम्बिया का मैं नाम ले रहा हूं, सच्चाई तो यह है कि वो महंगी दवाएं खरीदने के उन देशों के पास पूंजी नहीं है। तो भारत जैसे देश जहां फार्मास्यूटिकल उद्योग में जेनेरिक दवाओं का बोलबाला है, जहां जेनेरिक दवाएं बहुत ज्यादा बनती है, वो देश सप्लाई करते हैं, और फिर उन दवाओं में ऐसी कमियां आना जिससे बच्चों की मृत्यु हो जाना, ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। और न केवल गाम्बिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, गाम्बिया में, उज्बेकिस्तान में, ये 4-5 देश आप नाम याद रखना, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन देशों में ऐसे मामले आए हैं, और लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, और उसमें भारतीय कंपनियों की कफ सिरप जो है, जो खांसी की दवाई है, उसका बड़ा योगदान बताया जा रहा है, या उसकी इसमें भूमिका बताई जा रही है। देखिए, पहला तो मैं ये, अपन इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि भारतीय दवा कंपनियों द्वारा निर्मित कफ सिरप जो कि गुणवत्ता में अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता की नहीं है। इस समस्या के कारक क्या हैं? इस समस्या, ये समस्या या ये बात चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि कुछ देशों में ऐसे मामले आए हैं जहां बच्चों की मृत्यु हो गई। इस समस्या के कारक क्या हैं? क्यों ये समस्या आ रही है, और संभावित परिणाम क्या हैं? अगर ये समस्या जारी रही तो क्या क्या हानियां हो सकती हैं या क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? और चौथी बात है, उपाय क्या क्या है, भारत को इस मुद्दे से किस प्रकार निपटना चाहिए, या फार्मा उद्योग को इस मुद्दे से किस प्रकार निपटना चाहिए। अब तो यहां तक हो गया है कि USA ने तो भारतीय कंपनियों की जो दवाइयां हैं उनके इंपोर्ट पर बहुत सख्ती जांच बैठा दी है, और भारतीय दवाइयों का निर्यात भी धीरे धीरे कम होने की कगार पे है। आप अगर शेयर मार्केट वगैरह देखते हो तो आप देखोगे भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी के शेयर भी पिछले दिनों काफी डाउन हुए। ठीक है, तो आप अपने नॉलेज को सब तरफ से, जहां से भी आप, जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं,
आप उसको रिलेट किया करें कि चीजें क्या है और ये हमारे आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार इंपॉर्टेंट है। मेंस का बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है। इकोनॉमिक सर्वे में भी फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में काफी कुछ दे रखा है, मैं बता देता हूं। एक तो मैंने कहा कि विश्व का 20% जेनरिक दवाएं उत्पादन भारत करता है। दूसरा, जो बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र है भारत का, बायोटेक का, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और अब ये 80.12 बिलियन का बाजार हो चुका है। इस अमाउंट का ये उद्योग अब बायोटेक्नोलॉजी का हो चुका है, ठीक है, लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। तो अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान फार्मास्यूटिकल उद्योग का है। चर्चा हमने जान ली, गाम्बिया में, इंडोनेशिया में बच्चों की मृत्यु हुई, कारकों पे अपनाते हैं कि क्या क्या कारक है, ध्यान से देखना। नंबर एक, इंग्लिश में कह दो रेगुलेशन, या हिंदी में कह दो विनियामकीय तंत्र या विनियमन का अभाव है या विनियमन कमजोर है। रेगुलेशन होता है कि किसी भी संस्था, किसी भी उद्योग पर किस तरीके के नियम लागू हैं और उन नियमों की पालना सरकार कैसे करवाती है। तो फार्मास्यूटिकल उद्योग पर जो नियम लागू है उसका नाम है मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक एक्ट। हिंदी में कहें तो औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940। यह अधिनियम 1940 में बना था, तो आज की तारीख में यह अधिनियम अपडेट नहीं है। यह अधिनियम जो आज की चुनौतियां, वर्तमान की जो इस उद्योग की चुनौतियां, उनको पूरा करने में सक्षम नहीं है। और ये इस अधिनियम का जो क्रियान्वयन है, इस अधिनियम को जो लागू करवाना है, वो भी काफी कमजोर है। तो विनियमन का अभाव, मैं एक बार तो हेडिंग लिखता जा रहा हूं। दूसरे क्या कारक हैं, क्यों ऐसी घटिया दवाइयां बन पा रही हैं भारत में? उसका एक रीजन ये है कि दवा कंपनियों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ये दो शब्द आप नीति शास्त्र में बहुत पढ़ोगे। मैं तो पूरा, मेरा फोकस ये है कि मैं जो एक एक शब्द की बात करूं ना, उसका आरएस से कहीं ना कहीं लिंक बैठा हूं, आरएस के मेंस एग्जाम से। तो जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, इनका अभाव है फार्मा उद्योग में। भाई फार्मा कंपनियां ये तक नहीं बताती कि हमारे रिसर्च हुए, उन रिसर्च का, हमारे जो ट्रायल हुए उन ट्रायल्स का क्या रिजल्ट रहा, किन दवाइयों का क्या साइड इफेक्ट है, ये सब भी आम जनता तक या मीडिया तक नहीं पहुंच पाता। तीसरी बात है संसाधनों का अभाव। फार्मास्यूटिकल उद्योग में, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग की कह रहा हूं मैं, भारतीय दवा उद्योग की बात कर रहा हूं, यहां संसाधन यानी धन का, प्रौद्योगिकी का, साइंटिस्टों का, जिसे अपन कहते हैं प्रतिभाओं का, इनका अभाव है। भारत में इतनी रिसर्च नहीं हो रही, इतना निवेश ज्यादा नहीं है और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं है, उसके कारण भी कई बार इस उद्योग में समस्याएं हैं। फार्मा उद्योग चौथा क्या कारक है? फार्मा उद्योग में जागरूकता और अनुपालन का अभाव है। ये क्या है जागरूकता का भाव? ये कि वास्तव में वैश्विक मानक क्या है, वैश्विक मानदंड क्या है, विश्व में किस तरह की रिसर्च चल रही है, दुनिया जो यूएसए अपने देश में दवाइयां मंगाना चाहता है उसके क्या मानदंड चाहता है, क्या मापदंड चाहता है, किन स्टैंडर्ड्स पे वो ड्रग्स खरे उतरने चाहिए, कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये भी अभी तक जागरूकता ही नहीं है भारत के फार्मा उद्योग को, ये जागरूकता ही नहीं है कि दुनिया फार्मास्यूटिकल को लेके, दवाइयों को लेके किन दिशा निर्देशों पर काम कर रही है, किन मानकों पर काम कर रही है। तो जब उसे जागरूकता ही नहीं है कि कैसी दवाएं कौन से देश एक्सेप्ट करेंगे, किन दवाओं के क्या हानिकारक प्रभाव है, वैश्विक रिसर्च क्या कह रही है,
वो बस बनाए जा रहे हैं, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये कि दुनिया के जो मानक है उनका अनुपालन भी नहीं करती कई बार। फार्मास्यूटिकल उद्योग जो दुनिया के मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं दवाइयों को लेकर के, उनका पालन ही नहीं करती। और एक बड़ा आप लिख सकते हो CDSCO, ये क्या है? इसका पूरा नाम है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ मिनिस्ट्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक संगठन है जो ड्रग्स यानी दवाइयों के मानकों को कंट्रोल करता है। एक केंद्रीय एजेंसी है जो ये चेक करती है कि कौन सी दवाएं ठीक हैं, क्या वो मानकों के अनुरूप हैं या नहीं है, क्या उनको बनाने में सही प्रथाओं का इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनकी जांच करती है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि फार्मास्यूटिकल उद्योग में जाके ड्रग्स की अगर कोई जांच करेगा तो कौन सी एजेंसी है, वो है CDSCO। तो ये जो एजेंसी है इसमें भ्रष्टाचार है, काफी दिनों से इसकी शिकायत है कि इसमें काफी भ्रष्टाचार है। ये दवा कंपनियों से मिलीभगत करके ऐसी दवाओं को बाजार में एंट्री करवा देती है जो दवाएं स्टैंडर्ड्स के विपरीत है या स्टैंडर्ड्स के अनुकूल नहीं। तो ये पांच चीजें अपन ने पढ़ी, आप फिर से देखें, ये है फार्मास्यूटिकल उद्योग की समस्याओं के कारक। क्या क्या कारण है, क्या कारण है? विनियमन का अभाव है या विनियमन कमजोर है, क्योंकि जो कानून है 1940 का वो अद्यतन नहीं है, यानी अपडेट नहीं है, अद्यतन नहीं है। क्रियान्वयन में सक्षम नहीं है, इस कानून का जो क्रियान्वयन है इसके लिए एजेंसियां सक्षम नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप। साथ ही साथ आधुनिक जो चुनौतियां हैं इस उद्योग की, आधुनिक चुनौतियों से, क्यों काफी पुराना है तो आधुनिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं है। एक तो ये कारण है, आप ऐसे टिप्स भी याद रखो, रेगुलेशन का अभाव है। कानून जो है मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बना था, इसे अपडेट होना चाहिए, हालांकि इसका खाका भी तैयार हो रखा है, जल्दी संसद में पेश किया जाएगा, ऐसी चर्चाएं भी हैं कि ये विधेयक जो आएगा कॉस्मेटिक और दवाइयों पर एक्ट का, वो भी आने वाला है। पिछले दिनों भारत ने 340 FDC फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, कुछ दवाइयां मिलकर के जो कॉम्बिनेशन बनाती हैं, जो दवाई बनाती हैं, तो ऐसे 340 FDC पर, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन पर बैन लगाया है भारत सरकार ने। तो धीरे धीरे इस कानून को अद्यतन करने की बात चल रही है, उसको अपडेट करने की बात चल रही है, नया कानून लाने की बात चल रही है। तो विनियामकीय तंत्र क्या है, कमजोर है, रेगुलेशन बॉडी क्या है, कमजोर है, रेगुलेशन करने वाला कानून जो है वो पुराना है। दूसरा कारक है पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अभाव है। जो नियामक तंत्र है द्वारा दवा कंपनियों की सही स्थिति मीडिया या जनता तक नहीं पहुंचाई जाती। वास्तव में जो नियामकीय तंत्र है, जो CDSCO है या और है, जो जांचें होती हैं, तो वास्तव में पता ही नहीं चलता कि क्या स्थिति है।
आपने सुना होगा मैगी पर पिछले दिनों पिछले कई सालों पहले बैन लगा था कि उसमें लेड की मात्रा ज्यादा है, उसका जो मसाला है उसमें। लेकिन बाद में नेस्ले को किस आधार पर अनुमति दे दी गई, अब उसमें कितना लेड है, ये सब चीजें ना मीडिया में आ पाती हैं ना आम लोगों तक पहुंच पाती हैं। तो दवाओं के क्या कॉम्बिनेशन हानिकारक है, कौन सी दवाएं बैन है, हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहां जाके वो मेडिकल स्टोर वाला ही बताता है कि साहब ये दवा तो अब सरकार ने बैन कर दी, उसे भी आधा अधूरा ज्ञान है। तो आम जनता तक और मीडिया तक ये बातें आ ही नहीं पाती कि कौन सी दवाओं के क्या हानिकारक प्रभाव है, क्यों वो दवा नहीं लेनी चाहिए, क्यों वो दवा बैन है। तो इस तरह की बातें नहीं हो पाती, तो इसका मतलब है कि पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और अगर कोई घटना घट भी जाती है, अगर किसी दवा से कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता भी है तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां उससे अपना पल्ला झाड़ लेती हैं, जैसे अभी गाम्बिया में हुआ, भारत सरकार पे आरोप लगे लेकिन भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी कह रही है कि हम नहीं बता सकते, हो सकता है हमारी डुप्लीकेट दवा हो। तो डुप्लीकेट दवा भी तुम्हारी कैसे आ गई मार्केट में, यहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है क्या दवाओं पे? रेगुलेशन है लेकिन वो कमजोर है, जो कानून है वो कमजोर है। संसाधनों का अभाव, कैसे संसाधन, धन, प्रौद्योगिकी, रिसर्च का अभाव है। खुद रिसर्च कुछ होती नहीं है, जेनरिक दवाएं बनाते हैं, दूसरों के मतलब जो फॉर्मूलाज है उनको लेके अपन तैयार करते हैं, तो इसकी भी एक दिक्कत है। फार्मा उद्योग में जागरूकता की कमी, जागरूकता का मतलब है कि वैश्विक दुनिया में क्या दिशा निर्देश है, वैश्विक दिशा निर्देशों मानकों मापदंडों के विषय में अनभिज्ञता है, पता ही नहीं है कि दुनिया किन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही है, कौन सा तरीका दवाओं को बनाने का छोड़ दिया गया है, किस तरह की दवाएं बनाने की प्रथाएं हानिकारक हो सकती हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशंस नई रिसर्च में हानिकारक बताए गए, ऐसा नहीं है। और अगर पता रहता भी है तो अनुपालन का अभाव है। CDSCO में नाम लिख दिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भ्रष्टाचार है। दवा कंपनियां और CDSCO के बीच में मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल जैव समतुल्यता ये दो शब्द याद रखना, क्लिनिकल ट्रायल और जैव समतुल्यता जो है कि बायो इक्वालिटी किन्हीं दो चीजों में, कि पुरुष किसी व्यक्ति के लिए पुरुष के लिए दवा कैसी रहेगी, किसी और जानवर के लिए दवा कैसी रहेगी, तो जैव समतुल्यता के जो मानक होने चाहिए, जो रिसर्च होनी चाहिए वो नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है कि कोई दवा बनाई, जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाई, तो पहले आम लोगों पर लगाई जाएगी, पहले चूहे पर, उसके बाद में पिगी पर, सूअर की एक प्रजाति होती है उस पर, पिगी रैबिट खरगोश सूअर के बीच की सी एक जाति होती है उस पर लगाई जाएगी, फिर बंदरों पर प्रयोग किए जाएंगे, फिर इंसानों पर प्रयोग होंगे, फिर डायबिटिक इंसानों पर प्रयोग होंगे, फिर हार्ट की डिजीज है उन इंसानों पर प्रयोग होंगे। तो ये लंबा थोड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। तो क्लिनिकल ट्रायल में भी भारत की छवि बहुत ही खराब है कि यहाँ आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है, वॉलंटियर्स उपलब्ध ही नहीं है, और क्लिनिकल ट्रायल के बिना ही दवाइयां या तो आ जाती हैं या दूसरे देशों की दवाइयों को क्लिनिकल ट्रायल के रूप में भारत में आम मनुष्यों पर, आम रोगियों पर लगाना शुरू कर दिया जाता है। तो क्लिनिकल ट्रायल और जैव समतुल्यता हेतु पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वॉलंटियर्स ही नहीं होते हैं, ऐसी कंपनियां ही नहीं है जो क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले सौ तरह के मतलब वो क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए अलग से ऑथराइज होती हैं, वो लोगों के साथ वॉलंटियर्स के साथ अलग अलग एग्रीमेंट करके क्लिनिकल ट्रायल करती हैं, उन पर रिसर्च करती हैं। यहाँ तो आम डॉक्टर जो है वो बेचे जा रहे हैं और वो दवाएं दिए जा रहे हैं और वो आम आदमियों पे चलती जा रही हैं, और बरसों बाद में पता चलता है कि इस दवा से ये हानिकारक प्रभाव पड़ा है। तो पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, किसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए नहीं है, जैव समतुल्यता स्थापित करने के लिए कि किन जीवों के साथ क्या उसका बिहेव रहा, दवा का क्या रिएक्शन रहा।
तो मनुष्य के किस तरह के व्यक्तियों के ऊपर इस दवा का क्या प्रयोग रहेगा। अब हम जानेंगे परिणाम क्या क्या है। देखो हमने पढ़ा चर्चा में क्यों है, समस्या क्या है, भारतीय दवा कंपनियों की बात हो रही है, कफ सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु हो रही है, गाम्बिया में इंडोनेशिया में ऐसे हुए हैं और WHO ने भारतीय दवा कंपनियों पर एक बड़ी जांच कमेटी बिठा दी इसलिए चर्चा में है। कारक क्या है, हमने पढ़ा कि यहाँ विनियमन के तंत्र सही नहीं है, यहाँ पारदर्शिता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ बुनियादी ढांचे की कमी है, संसाधनों की कमी है, धन की कमी है, ये सारी बातें हमने कर ली। तो बात यह है कि इसका परिणाम क्या होगा, है तुम्हारे पास कमियां, इसका क्या परिणाम होगा। तो इसके रिजल्ट तो यही है, पहला तो यही है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भाई अब किसी दवा को पीने से बच्चे ही अगर मर गए तो उससे बड़ा प्रभाव क्या देखना चाहते हो, उससे बड़ा क्या परिणाम हो। तो पहला तो है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी दवाएं जो गुणवत्ता में अच्छी नहीं है, घटिया है या गलत प्रथाओं से बनी हुई है, उनका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो एलर्जी, कैंसर या अन्य घातक दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट। होंगे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, मैं अभी कह रहा हूं कि भारत में दवा उद्योग एक बहुत ही बड़ा उभरता हुआ उद्योग है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। दुनिया का 20% व्यापार जेनेरिक दवाओं का भारतीय दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में 80.12 बिलियन का उद्योग यह बन चुका है। तो अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। दवा कंपनियों की छवि खराब होगी, निर्यात पर फर्क पड़ेगा। मैं लिख दूं, निर्यात पर फर्क पड़ेगा, निवेश पर फर्क पड़ेगा और रोजगार, ये सब क्या होंगे, कम होंगे। इस क्षेत्र में रोजगार है वो कम होगा, अगर घटिया दवाएं बनाओगे कौन खरीदेगा। डॉक्टरों में, आम जनता में आपकी छवि खराब होगी दवा कंपनी की, तो निवेश खत्म होगा, निर्यात भी नहीं होगा, दूसरे देश लेंगे ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब गाम्बिया में आपने दवाइयां दी, वहां उनसे बच्चे मर गए, तो गाम्बिया के साथ भारत के रिलेशन कैसे रहेंगे, गाम्बिया की जनता भारत के प्रति क्या सोचेगी। भारत अगर उनको सही मुआवजा नहीं देगा या फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेंगी, तो गाम्बिया और भारत के रिलेशन इस घटना से कैसे होने चाहिए, क्या उन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे मामलों से कई बार क्या होता है, राजनीतिक तनाव भी आ जाता है, दो देशों के बीच में दुश्मनी भी हो जाती है, वो अपने राजनयिकों को वहां से बुलाते हैं, भारतीय राजनयिकों को बुलाया जाएगा, उनसे उनको कहा जाएगा, आपत्ति दर्ज कराई जाएगी, भारत के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो राजनयिक तनाव पैदा होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर विपरीत प्रभाव इससे पड़ेगा, व्यापार भी बाधित होगा। और भारत की जो एक छवि है, कैसी छवि है, भारत दुनिया भर में ये दिखाता है कि भाई मैं तो अंतरराष्ट्रीय शांति का सहयोगी देश हूं। अफगानिस्तान में दवाओं की कमी आती है, भारत भेजता है, तुर्की के अंदर भूकंप आता है, भारत आगे बढ़ के सहायता भेजता है। तो वो सहायता काम की क्या है, जब उस सहायता से वहां के रोगियों पर, वहां के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ दे। तुम घटिया क्वालिटी की अगर दवाइयां दोगे तो उससे अनैतिक कार्य क्या होगा, उससे अनैतिक कर्म क्या होगा। तो अंतरराष्ट्रीय सहयोगी की जो छवि है भारत की, वो छवि भी क्या होगी, धूमिल होगी, उस छवि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। चार मैंने मोटा मोटी प्रभाव बताए, आप और भी बढ़ा के लिख सकते हो। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, अगर गलत दवाएं बनाओगे तो स्वास्थ्य निश्चित रूप से
लोगों का स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। अब स्वास्थ्य को हानि पहुंचने से अपने आप में बहुत बड़ा दुष्प्रभाव दुनिया भर पर पड़ता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अगर दवा कंपनियों की छवि खराब होगी, घटिया दवाइयां बनाई जाएगी तो निर्यात कम होगा, निर्यात कम होगा तो उद्योग डाउन जाएगा, तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो रोजगार कम होंगे और कुल मिला के अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है दो देशों के बीच में, वो ऐसी घटनाओं से उन पे बुरा असर पड़ता है, उनके बीच में तनाव पैदा होता है। और चौथा, भारत की जो छवि है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी की जो छवि है, उस छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न को अगर अंतिम रूप से हल किया जाए तो एक जो पॉइंट है वो है कि क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि हम अगर आरएस का मेंस लिख रहे हैं पर हमें सीधे सीधे उपाय नहीं पता है, तो हम जो कारक है वहां से उपाय नहीं ला सकते क्या कि भाई सख्त कानून और अद्यतन कानून बनने की आवश्यकता है? अद्यतन या अपडेटेड कानून एवं एकल एकल व सक्षम प्राधिकरण की आवश्यकता है। भी हम चाहते हैं कि एक तो कानून सख्त हो जाए, एक ऐसी बॉडी बन जाए, एक ऐसी अथॉरिटी बन जाए जो संसाधन कहां से मंगाएंगे, रॉ मटेरियल कैसे होगा, किस प्रथा से बनाया जाएगा, कैसे लेबलिंग होगी, कैसे उसकी उस पर जो ड्रग के जो कॉम्बिनेशन होते हैं या जो फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखा जाएगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, इन सब पर भी जो मानक है उनका निर्धारण करे, दवाओं की जांच करे। ऐसी एक सक्षम और एकल, एक ही होनी चाहिए, बहुत सारी अलग अलग एजेंसियां काम नहीं कर पाएंगी, तो एकल और सक्षम प्राधिकरण की आवश्यकता है। तो एक तो ये उपाय है। दूसरा क्या उपाय है? दूसरा उपाय क्या है? नैतिक एवं या गुणवत्ता या शब्द लिखो उच्च गुणवत्ता युक्त दवा निर्माण विधि अपनाने की संस्कृति को बढ़ावा देना। भी ऐसी संस्कृति को, ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जिससे क्या हो कि उच्च गुणवत्ता की दवाएं ही बनाई जाएं, कंपनियां अपना नैतिक आधार बहुत उच्च रखें, है ना। तो उससे भी ऐसी संस्कृति अगर पनपेगी तो जो निर्माण की विधि होगी, दवाएं बनाने की जो विधि होगी वो उच्च गुणवत्ता वाली होगी और अच्छी दवाएं बनेंगी। और क्या उपाय हैं? निवेश को बढ़ाकर उच्च प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये तो हो गया आपका एक पैट आंसर, एक बड़ा आंसर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी कोई न्यूज उठा के नहीं ले आया हूं, निश्चित रूप से ये आरएस के एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होने वाला है। पूछ लिया जाएगा कि भारतीय दवा उद्योग है उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या उपाय हैं, या हाल ही में जो अन्य देशों में भारतीय दवाओं से, भारतीय कफ सिरप से जो मृत्यु हुई है उनके बारे में भारतीय विनियामक के ढांचे को बताएं, दवा कंपनियों के विनियामक के ढांचे को बताएं, या दवा उद्योग पर का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और उसमें किस प्रकार की चुनौतियां, ऐसा करके कई तरह से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं
और निश्चित रूप से बनेंगे, इकोनॉमिक्स के पेपर में बन जाएंगे, क्योंकि अब तक प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर इनकी बात कर रहे थे, अलग से दवा उद्योग की बात नहीं की थी, तो इस उद्योग पर भी चर्चा होगी, प्रश्न आएगा। अब मैं मोटा मोटी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, हुआ क्या कि यहां दो चार कंपनियां हैं, दो हरियाणा की है उसमें, एक दो उत्तर प्रदेश की है, एक हिमाचल की है, एक मेडेल है, एक क्यूपी है, ऐसे करके दो तीन कंपनियां हैं। इन कंपनियों की कफ सिरप जाती है, सब ये तक है कि इन जो कफ सिरप है, ये जो खांसी की दवाई है, इसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ पाया गया, जो ग्रीस होता है, जो कारों में काम आता है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम आता है, एक्चुअली प्रोपिलीन ग्लाइकोल होना चाहिए था और इन्होंने डाई एथिलीन ग्लाइकोल उसमें मिला दिया। वो साल्ट लगभग आसपास होते हैं लेकिन बहुत अलग चीज होती है, मिथेन और एथेन में छोटा सा फॉर्मूले का अंतर है लेकिन बहुत अलग अलग चीज होती है। तो ऐसे डाई एथिलीन ग्लाइकोल तक उसमें मिला है जो ग्रीस है ना, और ऐसी दवाइयां हम निकले जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, उनकी जांचें नहीं होती। जब भारत को आपत्ति दर्ज कराई गांबिया वगैरह देशों में, वहां जांचें हुई, तब WHO के पास गया। अब भारतीय कंपनियां कह रही है कि साहब जरूरी नहीं है हमारी दवा, दिखने में हमारी लग रही है लेकिन हो सकता है कि ये तो हमारी दवा की डुप्लीकेट दवा है। तो एक तो बात यह कि ऐसी डुप्लीकेट दवाएं, ये तो एक तरीके से उनके शरीर वापस से जिम्मेदारी डालना है कि तुम्हारे देशों में ऐसी डुप्लीकेट दवाएं बन गई। तो बात यह कि जब डुप्लीकेट बन कैसे सकती है, आपकी लेबलिंग भी इस तरीके से, जैसे डुप्लीकेट नोट बनाना बहुत मुश्किल है, वैसे डुप्लीकेट दवा की सीसी बनानी, उसकी लेबलिंग बनानी, उसकी पैकेजिंग भी मुश्किल है। उसके भी अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं कि कोई भी आदमी आसानी से डुप्लीकेट नहीं बना सके, ऐसा भी हुआ है। डुप्लीकेट दवाएं भी बनती हैं और जब वो बैच नंबर से मैच करते हैं तो पता चलता है कंपनी में इस तरह की कोई दवा बनी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय दवा कंपनी इसके लिए दोषी है, और भी कई कारक हैं, लेकिन भारतीय दवा कंपनियों यहां भी जो गुणवत्ता है, जो मानक है, जो दवा की क्वालिटी है, वो भी उसका भी ह्रास हो रहा है, उसमें भी कमी आ रही है, उसकी भी मॉनिटरिंग, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उस जवाबदेहिता उनकी होनी चाहिए, उस पर ज्यादा सख्त कानून होने चाहिए, क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, तो ये एक चर्चा का विषय भी है, ये आपके नॉलेज का विषय भी है, और आरएस की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही और बहुत सारे आरएस से जुड़ी न्यूज के बुलेटिन लेकर और उनकी विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मेंस के आंसर फॉर्मेटिंग को लेकर के अपन मिलते रहेंगे। मैं आता रहूंगा और ये क्लास होती रहेगी लगातार, आपका स्नेह इसी तरह बनाए रखें। आप एक बार वापस से देख लेना एक प्रश्न के उत्तर के रूप में कि क्या चर्चा है, क्या कारक है, क्या समस्या है, उसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है और उपाय क्या है। हर जो समस्या है देश की, दुनिया की, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, उनको इस तरीके से जोड़ो कि हालिया क्यों चर्चा में है, समस्या वास्तव में क्या समस्या है, इसके कारक क्या है, इसके परिणाम क्या है और इसके उपाय क्या है, और उसे लिखो। फिर अंदर का मैटर आप लिख दोगे और अंदर का मैटर इतना महत्व ही नहीं रखता, वहां तो अंदर तो दो दो लाइन लिख दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।